हेलो स्टूडेंट्स, अभी अभी जस्ट रमेश जी का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि इस बार का जो 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन है वो होगा। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने तैयारी स्टार्ट कर दी है। तैयारी किस लिए? कि इस कोविड सिचुएशन में किस तरीके से बच्चों को सेफ रख के और हम एग्जामिनेशन कंडक्ट करा सकें। ठीक है, तो उनका ये कहना है एक्चुअल में कि 12th बोर्ड जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी भी स्टूडेंट के लाइफ में। मतलब कि आगे वो क्या पढ़ेगा, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेगा, उसका स्ट्रीम क्या होगा। तो उन्होंने कहा है कि ये जस्ट उसका फर्स्ट स्टेप होता है, इस कारण से हम लोग इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो पूरी की पूरी तैयारी लगी हुई है, पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम लगा हुआ है ताकि वो ऐसा एक एनवायरमेंट क्रिएट कर दे, एक ऐसा प्लेस क्रिएट कर दे जहां पे कि स्टूडेंट खुद से जाके आराम से टेस्ट दे और उनके सेफ्टी पे कोई भी इशू ना आए। ठीक है, मतलब कि कोविड का जो सिचुएशन है आप भी समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट हो रहा है। तो इन सब चीज से बचने के लिए, इन सब चीज से बचाने के लिए ऑलरेडी एजुकेशन सिस्टम पूरा का पूरा लगा है और अपने एजुकेशन मिनिस्टर रमेश जी ने इस बात का आश्वासन दिया है, ये कंफर्म किया है कि बच्चों को किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होगा। स्टूडेंट आराम से जाके वहां पे टेस्ट दे सकते हैं, एग्जामिनेशन दे सकते हैं, अपना 12th बोर्ड दे सकते हैं ताकि उनको आगे जाके अपने मेरिट के बेसिस पे कॉलेजेस मिले, स्ट्रीम मिले। ठीक है, तो उसका जो भी है ना, जहां पे पब्लिश हुआ है वो चीज अभी मैं इसके साथ में टैग कर दूंगा। ठीक है, आप जरूर देख लें। और जैसा कि एक बार फिर से रिपीट कर दूं, उन्होंने कहा है कि हम लोग पूरे का पूरा तैयारी कर रहे हैं ताकि हम सीबीएसई का 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन करवा सके। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू।